भाई हिंदुस्तान में ना शादियों में कुछ डिशेस जो हैं वो पक्की हैं। जैसे हर शादी में दाल मखनी होनी चाहिए, बटर चिकन होना चाहिए, पनीर लबाबदार होना चाहिए, और स्नैक्स में भैया हर शादी में चीज़ बॉल्स होने चाहिए, हैं? लेकिन अब किसी की शादी का इंतज़ार क्यों किया जाए? अगर चीज़ बॉल्स ही खाने हैं तो खुद ही बना के खा सकते हैं ना। तो वही, आपको शादी का वेट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़े म्यूज़िक का वेट करना पड़ेगा। म्यूज़िक के अवसर मिलते हैं चीज़ बॉल्स के साथ। कॉलिंग एंड एक्शन। तो चीज बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए चीज, चीज, चीज। देखिए, जितने किस्म की चीजें मिले ना, मतलब सॉरी चीजेस मिले ना, उतनी ले आइए। और मोजरेला अगर मिल जाए या पिज्जा चीज मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो पिज्जा चीज में क्या है कि पिज्जा चीज में वो स्ट्रेचेबिलिटी होती है ना, खिंचाव होता है। तो मैंने थोड़ा पिज्जा चीज यूज किया, थोड़ा प्रोसेस चीज यूज किया, थोड़ा इंडियन चीज यूज किया। इंडियन चीज बोले तो पनीर, और थोड़ा इंडियन पोटैटो भी यूज कर लेता, ठीक है जी। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहले चीज को ग्रेट करो, फिर आलू को ग्रेट करो, फिर चीज़ और आलू दोनों को ग्रेट करने के बाद उनको अच्छे से मिक्स करो। भाई मैं ये कहता हूँ कि देखो, एक काम करो, थोड़ा पहलवानी दिखा लो, चीज़ और आलू लेके और अच्छे से उसको मैश कर लो। क्या बात है भैया, यहाँ जितनी मेहनत कर ली, ये लो जी, अच्छे से मिक्स एंड मैश। नाइस। तो भाई ये हो गया हमारा मिक्सचर नंबर वन, ठीक है। अब इस मिक्सचर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, चीज बॉल्स भले ही हिंदुस्तानी ना हो, कायदे से जो चीज बॉल हैं, जो ओरिजिनल चीज बॉल्स हैं, जो हम लोग शादियों में बनाते हैं, उसमें अंडा जाता है। उसमें क्या होता है कि बटर, मैदा और दूध, सब कुछ एक एक भाग लिया जाता है, ठीक है। पहले बटर को और मैदे को पकाया जाता है, उसमें दूध डाला जाता है, और उसके बाद वो जो गाढ़ा सा लिजाम बनता है उसमें अंडा डाला जाता है, और उसके बाद उसमें चीज़ डाली जाती है, और एक थिक, बहुत ही गाढ़ा चीज़ सॉस बनाया जाता है, और उस चीज़ सॉस को डिप कर करके चीज़ बॉल्स बनाए जाते हैं। तो वो तो हो गया जी विदेशी तरीका चीज़ बॉल बनाने का। हम जो लेके आए हैं वो है शुद्ध देसी चीज़ बॉल्स, नहीं शुद्ध देसी रोमांस नहीं, पिक्चर है। नमक, और नमक कम, क्यों? क्योंकि चीज में नमक होता है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा, अब इसमें डालना है थोड़ा ब्रेड क्रम। तीन मीडियम साइज आलू लिए थे मैंने, और उसमें जितना आलू उतना ही पनीर और उतना ही चीज, और बाइंडिंग के लिए थोड़ा मैदा और थोड़ा ब्रेड क्रम। ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। और लगभग आधा कप ब्रेड क्रम मैं डाल चुका हूँ। अब इसके दो किस्म के चीज़ बॉल बन सकते हैं। एक तो बन सकता है स्टफ्ड चीज़ बॉल, जिसमें कि वापस आप अंदर चीज़ भर दीजिए, जैसे ये, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये थोड़ा बड़ा बनेगा, जब फुर्सत हो, समय हो, तब के लिए है। और दूसरा कि जब जल्दी हो, बहुत सारे लोग आने वाले हो, तो फटाफट छोटे छोटे चीज़ बॉल बना के और फ्राई कर लीजिए। अब जो ये स्टफ्ड वाले चीज़ बॉल हैं भाई, इसको आपको क्रम करना पड़ेगा, इसीलिए जब बड़ी पार्टी होती है तो स्टफ वाले बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फ्राई कर दिया। लेकिन जो स्टफ वाले चीज़ बॉल हैं उनको आपको करना पड़ेगा क्रम। क्रम इसलिए क्योंकि इसमें आप चाहते हैं कि एकदम अंदर तक चीज़ मेल्ट हो, और अगर अंदर से चीज़ मेल्ट होगा तो उसको बाहर से सुरक्षा कवच देना पड़ेगा ना। अगर इसकी स्टफिंग थोड़ी डिफरेंट बनानी है ना, तो चॉप किया हुआ मशरूम डाल सकते हैं। सो चीज़ के साथ में चॉप मशरूम, एक्सलेंट कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा ये साइड में रखिए, ठीक है, और
चीज़ स्टफ करिए, उसके बाद ऐसे उस पर उसके ऊपर बैंडेड लगा दीजिए ऐसे, ये ऐसे करेंगे ना तो फिर वो फटने का चांस जो है वो और कम हो जाएगा, ठीक है। एंड डन। लेकिन फिर से याद दिलाया था ना, अगर सिर्फ ये मिक्सचर यूज कर रहे हैं और स्टफ नहीं कर रहे हैं तो इसे क्रम करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने फ्राई किया, सीधा फ्राई करिए बस हो गया। अगर पार्टी है, लोग ज्यादा हैं तो उसके लिए वो फॉर्मूला है, लेकिन अगर तसल्ली बख्श काम करना है, तसल्ली वाला मजे लेके, तो फिर अंदर स्टफिंग करके बनाइए और क्रम कीजिए। और क्रम करने के लिए सबसे पहले ये लिजाम, मैदा प्लस नमक प्लस पानी, और ये इतना गाढ़ा है ये देखिए। अब ये जो है ये चौकड़ी बैठा ली, लिजाम, ब्रेड क्रम और चीज बॉल, ठीक है। एक हाथ, एक हाथ, ये वाला हाथ क्रम में नहीं जाएगा और ये वाला हाथ लिजाम में नहीं जाएगा, सिंपल। कई बार ना मैं भी बातों बातों में लग जाता हूं, मैं छोटी छोटी चीजें जो हैं वो मिस कर जाता हूं, जैसे ब्रेड क्रम लगाने के बाद दबाना नहीं है। छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्सचर पे बहुत फर्क डालती है, वरना ब्रेड क्रम जो है एक मोटी दीवार बना लेगा। आप पहले उस दीवार से जूझेंगे, बाद में आप चीज बॉल तक पहुंचेंगे। एंड डन। कभी भी स्टोर करें ना अगर क्रम करके, तो उस पर हल्का सा ऊपर से ब्रेड क्रम यूं छिड़क दें, ताकि समय के साथ ब्रेड क्रम जो है वो पकड़ लेगा और टेक्सचर लूज नहीं करेगा। तेल जो है वो मीडियम हॉट, हाँ ज़्यादा हॉट नहीं, वरना बाहर से कलर आ जाएगा, अंदर से चीज़ पिघलेगा नहीं। और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था मीडियम हॉट, क्योंकि अंदर से चीज़ पिघलना चाहिए ना। यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी स्मार्ट बैलेंस ऑयल। बहुत ध्यान से चलाना है शुरू शुरू में, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से चलाना है, बिकॉज इसकी स्किन जो है वो बहुत नाजुक होगी। तो जब एक बार अपनी शेप पकड़ ले, उसके बाद आप थोड़ी सी बदतमीजी कर सकते हैं इसके साथ, लेकिन पहले तो बस मतलब तेल के ज़रिए ही उससे बात करनी है, हैं, डायरेक्टली बात नहीं करनी उससे। अब साथ में ना ऐसे छोटी जो है वो चाय की छन्नी ज़रूर रखें ऐसी, क्योंकि ब्रेड क्रम वाली चीज़ जब भी आप फ्राई करेंगे उससे तेल गंदा होता रहेगा, तो बारीक वाली छन्नी एक साथ में रखना ज़रूरी इसलिए है कि जब मौका मिले तेल साफ कर लीजिए। एंड डन। ठंडा करके थोड़ा ठंडा करके खाइएगा, मुंह जल जाएगा मेरा। अच्छा, अगर ऐसे केचप यूज करना है तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि केचप को तड़का दे सकते हैं, एकदम कड़ी पत्ता डालिए, अदरक डालिए, लहसुन डालिए, केचप में मिक्स कीजिए, तड़का केचप बना के भी खा सकते हैं। हर चीज़ को देसीफाई करना पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास तड़का है।
क्योंकि हम हिंदुस्तान से हैं तो हमारे सलाद में हरी मिर्च तो होनी चाहिए। अब देखिए, तमाम किस्म की चीज़ बॉल की रेसिपी है, लेकिन किसी चीज़ बॉल की रेसिपी में ऐसे खुल के तीन भाग चीज़ एक भाग आलू नहीं होगा। दूसरी बात, फिर उसके अंदर भर भर के उसके अंदर भी चीज़ डाला गया, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि हो सकता है आपका चीज़ का बजट बढ़ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा चीज़ी चीज़ बॉल रेसिपी आपको इंटरनेट में नहीं मिलेगी, गारंटीड। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब।